PSC Part 3 Physics Paper 3rd Solid State Physics Ghanshyam Nawal Associate Professor Lecture Number 8 से एक डिटरमिनेंट हमने बनाया एबीसीडी कोएफिशिएंट्स का, इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू इस तरह के आ गए। इसको भी अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रॉनिक पेनी ने इसको भी सिंप्लीफाइड किया है। सिंप्लीफाइड किया कैसे, अब आप दो रहते हैं ना, ये स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा बी
बी की जगह लिख दिया बीटा बी, साइन अल्फा ए की जगह लिख दिया अल्फा ए, कोस अल्फा बीटा बी की बजाय सॉरी ये साइन अल्फा ए इजी, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो नहीं, बी का वैल्यू टेंस टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, इसको साइन अल्फा ए रखा, कोस हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह लिख दिया वन कोस अल्फा ए, और यहाँ कोस के ए प्लस बी की जगह लिख दिया कोस के ए, क्योंकि बी टेंस टू जीरो। तो ये जो मैथमेटिक रिलेशन है ये रिलेशन बन गया हमारे पास। अब इस रिलेशन में लिख सकते हैं ये सारी चीज को कॉन्स्टेंट कर दें, पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए, एक रिलेशन हमारे पास। जहां मैं लिखा पी इज इक्वल टू ए बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा बी बीटा बी डिवाइडेड बाय टू बीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी वी जीरो माइनस टू ई एम डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। हमने अल्फा की और बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पहले से डिफाइन कर रखा था, अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू टू एम ई डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इक्वल टू टू एम डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर वी जीरो माइनस ई, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू रखेंगे तो अल्फा बीटा का दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। और इसमें जो पोटेंशियल हाइट है वो अगर बहुत ज्यादा ई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वी जीरो पोटेंशियल की हाइट अगर ये बहुत ज्यादा है तो हम इसको पी को लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू इसको नेग्लेक्ट कर दो तो एम ए डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर वी जीरो इंटू पी।
कॉरस्पॉन्डेंट एक एनर्जी होगी, एन इक्वल टू के कॉरस्पॉन्डेंट दूसरी एनर्जी होगी, एन इक्वल थ्री के कॉरस्पॉन्ड अलग एनर्जी होगी। तो एनर्जीज के अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे। तो अगर ये बाउंड सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन्स के कई सारे एनर्जीज पॉसिबल होगी, जिससे अपन कहेंगे एन इक्वल वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए डिस्क्रीट एनर्जीज पॉसिबल। अगर ये जो मैथमेटिक रिलेशन है पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए, इसका ग्राफ अगर हम खींचें अल्फा एक्स एनर्जी सा, तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का। अल्फा ए इधर ले लें, यानी एनर्जी, अल्फा एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से संबंधित है, और इस तरफ हम ले लें जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है पी इंटू साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए, ये वाला पार्ट हम वाई एक्सिस का लेंगे। ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का है। इसमें ये वैल्यू हमने प्लस वन, ये माइनस वन, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारे पास थी पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन इसी इक्वल टू कोस के ए, तो ये जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हो सकता है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकता है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है उसका जो मान प्लस वन और माइनस वन के बीच में होगा वो अलाउड होगा, बाकी फॉरबिडन होगा। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी ये जो पार्ट है ये वाला ऊर्जा का, ये मान तो अलाउड है क्योंकि इसमें इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में, यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी वो फॉरबिडन होगी, ये वर्जित, ये अलाउड है, अलाउड ऊर्जा है यहां से लेकर प्लस वन और माइनस वन के बीच वाला एरिया, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अलाउड एनर्जी को मैंने डार्क लाइन से शो कर दिया, यहां से लेकर यहां तक अलाउड, यहां से लेकर यहां तक अलाउड, और फिर आगे एन इक्वल टू थ्री, ये अलाउड, इधर चलोगे एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री। तो ये वाला अलाउड माने अनुमत ऊर्जा, और ये वाला जो पार्ट है ये वर्जित ऊर्जा। अलाउड एनर्जी बैंड और अब ये जो ग्राफ है, यानी एक पीरियोडिक पोटेंशियल हमने माना क्रॉनिंग पेन इंड, इसको बड़ा सिंप्लीफाइड मॉडल कर दिया इसको, कि ये जो पीरियोडिक एरी है एटम्स की, उसमें जो पोटेंशियल्स को हम स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स माने, बाउंड सिस्टम माने, तो उसमें जो एनर्जीज होगी वो अलाउड फॉरबिडन इस तरह से एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। और ये जो एनर्जी बैंड्स बनेंगे इनका एनालिसिस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कि ये एनर्जी बैंड्स कितने एनर्जी, ये अलाउड बैंड के वेट देते हैं, ये वेट बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग अलाउड एनर्जी बैंड्स का वेट तो क्या क्या चेंज होगा इसको अपन